यूक्रेन पर रूस के हमले शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन जारी हैं। राजधानी की सुबह 7 बजे धमाकों से दहल गई। लोग रात भर से घरों सबवे अंडरग्राउंड शेल्टर में छुपे हुए हैं। खाने पीने से लेकर रोजाना की जरूरत की चीजों की कमी हो रही है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना राजधानी में दाखिल हो गई है। उन्होंने आशंका जताई है कि अगले 96 घंटे यानी 4 दिन में कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रूसी सेनाएं रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही है। उन्होंने रूसी नागरिकों से अपील की है कि वे इस जंग के खिलाफ प्रदर्शन करें। वहीं पश्चिम यूक्रेन के लीव शहर में हवाई हमले का सायरन सुनाई दिया है। इसके बाद यहाँ की मेयर ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने को कहा है। रूस ने कहा कि गुरुवार को यूक्रेन के 14 इलाकों में 203 हमले किए, 83 लैंड बेस्ड टारगेट हिट किए गए। रूसी सेनाओं ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। कीव के नजदीकी यूक्रेनी एयरबेस पर भी रूस का कब्जा हो चुका है। राजधानी कीव में भी रूसी सेना घुस गई है। रूसी एयरक्राफ्ट एंटोनोव 26 यूक्रेन के करीब वोरोनेज इलाके में क्रैश हो गया है। रूस ने कहा है कि यह एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट कर रहा था। एयरक्राफ्ट के क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। रूस ने यह भी बताया कि इनकी संख्या कितनी थी। राजधानी कीव में गुरुवार को रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। चश्मदीदों ने बताया कि रात भर धमाके और एयर रेड के सायरन सुनाई दिए। लोगों से लाइटें बंद करने और पर्दे लगाने को कहा गया। यूक्रेन की रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि यूक्रेनी फोर्सेस ने रूस के 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर, 30 टैंक तबाह कर दिए। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि उनकी फोर्सेस ने 800 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। 30 रूसी टैंक और 7 जासूसी एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन पर हमला के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के साथ घरेलू नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस के दर्जनों शहरों में प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद 1700 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वर्ल्ड बैंक यूक्रेन को आर्थिक मदद देने को तैयार हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।